शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। शिव का अमृत मंत्र, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, श्री जी जरा देखकर बताओ कि इसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है, नहीं नहीं गुरुदेव इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा भरी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्र जन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र में कुछ तो सुख होगा। ये किसी ने पर्चा लिख कर भेजा है, देखिए पर्चे तो आए हैं पर हम पढ़ नहीं पाए हो ज्यादा ज्यादा। कमल किशोर जी शर्मा, मानसिंह धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर धाम में अगर पहुंचे हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, तो जितना समय मिला करे एकांत में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम की कंकर में शंकर है बैठकर, नहीं आए जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भोजन बनाते हुए, सोफे पर बैठकर भोजन करते हुए, क्योंकि ये समय 11 बजे से 2 बजे का समय तो खाने का भी निपटाने का भी है, तो आप जिस जगह पर हो उस जगह पर बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते जपते, शिव मंत्र है। शिव महापुराण की कथा करे, लंकाधिपति लंकेश रावण भी अहंकार था, रावण में अभिमान था, दुराचारी भी था मान सकते हैं, पापी भी था मान सकते हैं, कि उसने पाप कर्म करा, माता सीता का हरण करा, सब कुछ मानते हैं कि करा होगा, किया होगा, सब मानते हैं। पर अहंकार अभिमान अहम व्यक्ति का जब जाता है तो व्यक्ति पाप रूप निर्मल होता चले जाता है, जब अहंकार जाता है तब निर्मलता जाती होता है। कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं है किसी किसी के यहाँ, आप लोगों के यहाँ, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटे से बच्चा, छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालता जाता, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है, पर विचार करिएगा एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे, बोलो सही बात है, ये गुल्लक के हैं क्या है?
और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए, और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई उनके दो दो चा फेंका, ने पैसा सब निकल के बाहर आया, तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे हर जम के तो बोलो तोड़ा, मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है, जैसे गुल्लक में पांच पांच रुपया, दो दो रुपया, दस दस रुपया, पचास पचास रुपया, सौ सौ रुपया, हजार हजार, दो हजार, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह है। एक छोटा सा फ्लैट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए, बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे, गुल्लक की तरह हम भी जोड़ रहे हैं। साड़ी मिली माए कैसे, नहीं पहनी, अच्छी थी बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूँ दिवाली पर, ऐसी रकम लूँ कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूँ कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूँ कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूँ कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे, जोड़ रहे, जोड़ रहे, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। काया का अहंकार करोगे तो सबसे पहले काया जाएगा, धन का अभिमान करोगे तो सबसे पहले धन जाएगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का, सबको कट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा, पूरे शरीर में सबसे पहले यही जाए, पूरे शरीर में।